कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो जी ये है मेरा वर्क प्लेस। काफ़ी लोगों ने मुझसे पूछा था कि थोड़े से ना मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग सा ब्लॉग बनाऊँ, तो उसमें मैंने सोचा था कि पहले आपको वर्क प्लेस बिफोर दिखाऊँ, फिर आफ्टर दिखाऊँ, फिर पूरी सफाई करके शेप्स वगैरह बना के फिर दोबारा दिखाऊँ। लेकिन मैं इससे पहले की जो शेप्स थी वो तो दिखाना भूल गई, तो अब यहाँ से मैंने सारी वीडियोज़ जो हैं वो बना ली हैं इधर की। अब जो है इसके बाद सुबह से मैं आई हुई हूँ जी। तो मैं सुबह से आज ऊपर आई हुई हूँ, पहले पानी नहीं था, फिर पानी के बाद जो है मैंने सारे गैलन खाली किए, फिर पानी आया क्योंकि लाइट का भी इशू है, और फिर मैं इधर आई हूँ। इसकी तीन वीडियोस मैंने पहले बना चुकी थी, तो मैंने इनकी शेप्स बना ली 1, 2, 3। और ये जो दो टब्स हैं ये बहुत ज़्यादा वेट हो गए थे, तो जब इनको मैं ना फर्श पर डाल देती हूँ ताकि ये थोड़े ड्राई हो जाए क्योंकि बहुत ज़्यादा वेट हो गए थे। तो इस तरह करके मैंने इनको लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो गए, सो अब मैं ये बहुत ज़्यादा ड्राई हो चुके हैं, अब मैंने ड्राई क्रम्बल करके इनकी पॉलिंग करूँगी। फिर जो है आज मैंने कितनी वीडियोज़ बनाई है, 1, 2, 3, 4 इधर की वीडियोज़ बनाई हैं, आई थिंक 5 इधर की वीडियोज़ बनाई हैं, और वहाँ की भी जैसे मैंने कुछ बनाई है। सुबह से मैं आई हूँ तो मैं इतनी थक गई, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, तो ना मुझसे भूला जा रहा है जल्दी जल्दी में। तो ये मेरे कुछ टेक्सचर्स हैं, अब मैं इनकी आज मैं सुबह आई थी, नाश्ता के बाद में आ गई थी 9 बजे के करीब ना, तो उसके बाद जो है मैंने आकर ये वीडियोस वगैरह बनाई। फिर मैं चली गई नमाज़ पढ़ने, नमाज़ के बाद खाना खाया, चाय पी कर जब मैं नीचे दोबारा ऊपर आई हूँ 3 बजे मैं दोबारा ऊपर आ गई। फिर ऊपर आने के बाद जो है अब जो टाइम हो रहा है आई थिंक 5:30 हो रहे हैं, तो ये कुछ वीडियोस बनाई है, कुछ मशीन चल रही है, कुछ कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है एरिया में, फर्नीचर वाली शॉप्स हैं, मतलब सब पूरी स्ट्रीट ही फर्नीचर की है, कारपेंटर्स वालों की है ना, तो इतना शोर होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है। कोई 11-12 मिनट की वीडियो को अगर मैं एडिट करूँ तो जाके 1-2 मिनट की वीडियो बनती है, और 30-40 मिनट की वीडियो को मैं एडिट करती हूँ तो जाके 6-7 मिनट की वीडियो बनती है। तो अब असल का टाइम हो चुका है क्योंकि अब असर हो जाएगी, फिर दोबारा आने का तो टाइम होगा नहीं, तो मगरिब भी फ़ौरन ही हो जाती है ना। तो मैं चलती हूँ नीचे, फिर मैं कल आऊँगी, कल है वेडनेसडे, तो कल आकर सारी इनकी शेप्स बनाऊँगी। मतलब ये व्लॉग कल तक भी जाएगा, हो सकता है परसों तक भी जाए, फिर ये वीडियो पूरा व्लॉग बना कर पहले मैं सोचा था आपको पूरी अच्छे से शेप्स दिखाऊँ, फिर आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है रिकॉर्ड करके वीडियोस फिर दिखाऊं, लेकिन स्टार्ट का मेरा क्लिप थोड़ा सा मिस हो गया उसके लिए सॉरी। और अब मैं चलती हूँ अपना जी, ठीक है, हम नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट डे मिलेंगे कल आप लोगों के साथ। तो जी आज नेक्स्ट डे है, और मैं ऊपर आके मैंने ये 1, 2, 3, 4, 5 शेप्स बनाई हैं टेक्सचर्स की, और दोपहर के बाद से मैंने बनाया था, और आप देख सकते हैं वर्क प्लेस का ये हाल। तो अब मैं जा रही हूँ नीचे क्योंकि असर की अजानें हो चुकी है कब से, तो जल्दी जल्दी मैं जाके नमाज अदा करती हूँ, फिर कल आती हूँ, फिर कल का थोड़ा सा क्लिप आपसे शेयर करूँगी। आज है थर्सडे, तो ये मैं अपनी शेप्स बना चुकी थी कल, मैंने ये और वो आगे की और वो हैंडमेड बनाई थी, और उस दिन मैंने ये सेटिंग लगाने के बाद लैपटॉप्स वगैरह जिस दिन मैंने क्रम्बलिंग की उसके बाद मैंने सेटिंग लगाई उस वाली वर्क प्लेस का थोड़ा काम किया, फिर कल मैंने आके ये किया, ये हैंडमेड बनाई, देन फिर उसके बाद जो है ये रेडीमेड ये ग्रीटी, और आज ये ग्रेनी, और ये भी ग्रेनी के बाउल्स बना दिए। तो अब आज थर्ड डे, अब मैं जो है मेरे दूसरे वर्क प्लेस में अभी बस वो क्रम्बलिंग करनी है जो मैंने ड्राई क्रम्बलिंग करनी थी जिसकी रिक्वेस्ट आई हुई है, उसके बाद उसकी वीडियो बनाती हूँ, फिर आप लोगों से पूरा एक व्लॉग जो है ये एडिट करके सेंड करती हूँ, ठीक है। तो जी मैं आ गई हूँ दूसरे वर्क प्लेस पर, और आप देख सकते हैं कि मैंने ये जो शेप्स बनाई थी कितनी खूबसूरत मैंने शेप्स बनाई थी, और उनका हशर कर दिया है ये कबूतरों ने, ये देखें सारी इतनी अच्छी शेप्स बनी हुई है, बस एक ये वीडियो रहती है मेरी और एक ये भी रहती है ड्राई पूरी मैंने करनी थी, और इतनी खूबसूरत मैंने सोचा था, एकदम चारी लग रही थी ये वाली शेप्स, और ये सारी ख़राब कर दी। अब चलते हैं हम, दोबारा मिलेंगे, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।